जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार। एक जंगल का राजा था शेर। वह बहुत ही अच्छे से राज्य का पालन करते हुए जंगल के जानवरों की समस्याओं का समाधान करता था। गलती करने वालों को सख्त सजा भी देता था। शेर ने अपने बेटे को बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा किया। इससे छोटा शेर घमंडी होकर बाकी के जानवरों के साथ बुरा सुलूक करता था। उसने एक दिन भालू से कहा, अरे भालू काले और बदसूरत वाले, दूर जा यहाँ से। तब भालू ने कहा, राजा के बेटे होने के कारण हम कुछ नहीं बोल पा रहे, जुबान संभाल के बात कर। फिर छोटा शेर अपने पापा शेर के पास जाकर बोला कि उस भालू ने उसका आकार गंदा दिख रहा है, बोलकर चिढ़ा रहा है करके चढ़ा चढ़ा कर बोला। इससे महाराज शेर सच जाने की कोशिश तक ना करते हुए उस भालू को जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया। ऐसे ही छोटे शेर के जंगल में घूमते समय हाथी दिखा। एक चट्टान के आकार में हो, पर तुझ में दिमाग नहीं है। चट्टान जैसी तेरी आकार देख के फूल मत जाना, बोलकर चिढ़ाने लगा। इससे हाथी ने कहा, जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो मैं अपनी सूंड से लिपट कर जमीन से पटकूंगा। हाथी ने उसे मार के जमीन पर पटका करके छोटे शेर ने अपने पापा से झूठी शिकायत की। शेर ने हाथी को जंगल से निकाल दिया। महाराज ने जल्द से जल्द तुरंत सभी जानवरों को बुलवाया। मुझे कितना आदर दे रहे हो ना, उतना ही मेरे बेटे को भी दो। अगर किसी ने भी मेरे बेटे को चिढ़ाया या तंग किया तो मैं उन्हें सख्त से सख्त सजा देकर इस जंगल से हमेशा के लिए निकाल दूंगा, बोलकर चेतावनी दी। इससे वह छोटा शेर पागल जैसा उत्तेजित होकर जंगल के जानवरों को तरह तरह से परेशान करने लगा। फिर बाद में सारे जानवरों ने उस जंगल के मंत्री चीता से अपनी चिंता का विवरण किया। मंत्री की बात महाराज सुनते थे। फिर चीता ने कहा, महाराज जी, आपके बेटे को सताने के कारण बहुत सारे जानवरों को आपने जंगल से निकाल दिया, लेकिन इस जंगल में कई जानवर दुष्टों से तंग आकर मानसिक रूप से दुखी हैं। तो फिर उन्हें क्या सजा दोगे? बोलते हुए चीता ने शेर से प्रश्न किया। मेरे राज्य में कोई भी परेशानी नहीं है ना? इससे चीता ने कहा, तो फिर चलो चुपके से घूमकर सबके सुख दुखों के बारे में अब स्वयं देख लो। फिर शेर चीता के साथ जाकर जंगल के घने पेड़ों में छुपकर परिस्थितियों को देखने लगा। ऐसे अलग अलग जगहों में देखने गए। एक जगह पर झाड़ों में छुपे शेर को छोटा शेर दिखा। चीटिया, तुम लोग इतने काले बदसूरत हो, इतनी अच्छी जंगल में रहने का हक है क्या तुम्हें? शराफत से कहियो दूसरी जंगल चले जाओ। तब चीटियों ने कहा, हम मेहनती हैं और मेहनत करने वाले इस दुनिया के राजा होते हैं। तुम्हारे जैसे आवारा घूमने वाले को ही इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरे एक फूंक से उड़ने वाले तुम लोग मेरा सामना करने चले हो, मैं अपने पापा से बोलकर तुम्हारी पूरी जाति को ही जंगल से बाहर निकलवा दूंगा, बोला छोटा शेर। तुरंत उधर प्रत्यक्ष होने वाले शेर ने कहा, अरे छी, मेरा दुर्भाग्य है कि तू मेरा बेटा है। बाकी के जानवरों को तंग करने वाले सभी को एक ही सजा है, चुपचाप इस जंगल से निकल जा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है और मार डालूंगा। बोलते हुए शेर ने छोटे शेर को भी निकाल दिया। चीता के सामने सारे छोटे जानवरों ने शेर से अपना दुख बांटा। शेर ने माफी मांगा। उसके बेटे के कारण जंगल से निकलवाने वाले जानवरों को वापस बुलवाया। अब से कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को चिढ़ाया या फिर तंग किया और ये सच साबित हुआ तो सख्त सजा और हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकालने की
आदेश जारी किया। शेर के इतने लाड़ प्यार से ही उसका बेटा ऐसे बिगड़ गया। करके अपनी गलती जानकर शेर ने अपने बेटे को अच्छी सीख देकर अपने बेटे में बदलाव लाया। इस कहानी की शिक्षा है कि जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार अच्छा नहीं होता। खरगोश और कछुए की कहानी। एक जंगल में एक दिन बहुत सारे जानवर मिलके खेल रहे थे। ऐसे खेल खेल में एक खरगोश एक कछुए को छिड़ा रहा था। तुम इतने धीरे से चल रहे हो, इस तरह चलोगे तो तुम कहीं पहुंच नहीं पाओगे ना। मुझसे मुकाबला करे तो मैं तुम्हें चुटकियों में हरा दूंगा, बोलते हुए अपने आप की बड़ाई कर रही थी। हिम्मत हो तो मेरे साथ दौड़ में भाग लो, बोलते हुए खरगोश ने सवाल उठाया। ठीक है दोस्त, मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ, बोलकर मान गई। जैसे तय किया था, निश्चित जगह पर खरगोश और कछुए के दौड़ देखने के लिए जंगल के सभी जानवर आए। खरगोश बहुत ही खुशी से गर्व के साथ आई, वही कछुआ बहुत ही शांत स्वभाव से मुकाबले में पहुंची। मुकाबले की जिम्मेदारी बंदर को सौंपा गया। फिर बंदर ने मुकाबले का नियम बताया। फिर मुकाबला शुरू करते हुए बंदर ने सीटी बजाया। सीटी के बजते ही खरगोश जट से भागने लगी। कछुआ हमेशा की तरह धीरे से चलने लगी। थोड़ी दूर भागने के बाद खरगोश ने पीछे पलट कर देखा तो कछुआ कहीं दिख ही नहीं रहा था। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो जीतेगा ही नहीं, मेहनत क्यों करना, थोड़ी देर के लिए आराम से सो कर उठ के आसानी से आखिरी पड़ाव पार कर लेंगे। एक पेड़ के छांव में धीमे से आंखों को झपकाते हुए सो गई। थोड़ी देर में कछुआ अपने अंदाज में चलते हुए उस पेड़ तक पहुंची और सोती हुई खरगोश को देखी। फिर भी उसकी नींद को खराब ना करते हुए वह अपने रास्ते धीरे से चलते चलते आखिरी पड़ाव के तरफ चलने लगी। थोड़ी देर बाद कछुआ आखिरी पड़ाव के पास ही था, तभी खरगोश जाग गई। और ये देखकर परेशान होकर खरगोश तेजी से भागने लगी। पर खरगोश के वहां पहुंचने तक कछुआ आखिरी रेखा पार करके जीत गया। ऐसे कछुए को थालियों से तारीफ करने लगे। अपने भलों को ज्यादा समझकर कछुए को कम समझने पर खरगोश को दुख हुआ। ऐसे ही जीवन में भी जीतने के लिए बिना आराम के मेहनत करनी होगी, करके खरगोश समझ गई। इस कहानी की शिक्षा है कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए।